holometabolous metamorphosis. first the contents. the definition of holometabolous metamorphosis. then the egg stage, larval stage, pupa stage and the adult stage. first the holometabolous metamorphosis. so holometabolous metamorphosis is also called as the complete metamorphosis. so it's the process in which there are four distinct Stages of metamorphosis are present. So, holometabol holometabolism means it is the complete metamorphosis. It is a type of metamorphosis the animal it complete it passes through all the stages of metamorphosis. Normally, the complete metamorphosis can that there are four stages. It is the egg stage, it is the larval stage, pupa stage, and the adult stage. So, if we talk about holometabolism metamorphosis, most of the insects. यानी अगर हम इंसेक्ट्स इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एनिमल्स में तकरीब नाइनटी परसेंट जब वो इंसेक्ट्स हैं अब उन इंसेक्ट्स के अंदर मोर देन एटी एट परसेंट इंसेक्ट्स जो हैं दे अंडर गो कम्प्लीट मेटामॉरफोसिस और उसके अंदर जो है वो कम्प्लीट मेटामोफोसिस होगी वट इज द बेनिफिट ऑफ कम्प्लीट मेटामॉरफोसिस कम्पलीट मेटामॉरफोसिस के थ्रू द एनिमल्स इट परफॉर्म इट डिफरेंट एक्टिविटीज एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट कि डिवेलपमेंट के डिफरेंट स्टेज के ऊपर क्या करेगा ये अपने जो वो डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करेगा जैसे ग्रोथ ग्रोथ के लिए एक सेपरेट एक्टिविटी है डिफ्रेंसीेशन के लिए सेपरेट एक स्टेज आएगी जबकि सेक्शुअल एक्टिविटी रिप्रोडक्शन के लिए सेपरेट स्टेज आएगी यानी फॉर एग्जाम्पल लार्वल स्टेज जो है ये ग्रोथ के लिए है इस तरह से जो इंटेंसिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिफरेंसीशन होनी है सेल्स की दैट विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्यूपा स्टेज जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए दर इज द अडल्ट स्टेज इट मीनस द एनिमल थ्रू मेटामॉर्फस इट हैज डिवाइडेड इट्स एक्टिविटी इंटू डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट स्टेजस डिफरेंट स्टेज के ऊपर अपनी एक्टिविटीज डिवाइड कर ली है सो द बेनिफिट इज दैट एक स्टेज के ऊपर होने वाली एक्टिविटी अगली स्टेज के ऊपर होने वाली एक्टिविटी से इंटरफेयर नहीं करेगी तो द एक्टिविटीज़ दे डू नाट इंटरफेयर विद ईच अदर कि जब ग्रो करना तो फिर ग्रोथ ही हो रही है डिफ्रेंशिएशन हो रही तो फिर डिफ्रेंशिएशन हो रही है देन जब रिप्रोडक्शन होनी है तो फिर ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी जस्ट रिप्रोडक्शन होगी सो ऑलरेडी जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं देर आर फोर स्टेजेस होती हैं कंप्लीट मेटामोफोसिस में देट इज द एग स्टेज लार्वल स्टेज पीपा स्टेज एंड द अडल्ट स्टेज तो एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारी हैं जैसे मॉस्किटोज हैं हमारे पास दे अंडर गो कम्पलीट मेटामोफोसिस बटरफ्लाइज देडर गो मेटामॉर्फोसिस और इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स देडर गो

कंप्लीट मेटामोरफोसिस जिन एनिमल्स की डिवेल्पमेंट में चारों स्टेजेस मौजूद होंगी दे विल भी हैविंग होलोमेटाबोलिस मेटामोफोसिस आर कम्प्लीट मेटामोफोसिस कम्पलीट मेटामोफोसिस द फर्स्ट स्टेज इज द एग स्टेज एग स्टेज वो स्टेज है जिसके अंदर जो डिवेलपमेंट है वो सारी की सारी विद इन एग हो रही होती है यानी ऑल द डिवेलमेंट फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डिवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट सम केसेस में एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है के केस में एंड द डेवलपमेंट स्टार्ट एज वेल तो चाहे फर्टिलाइज आ गया चाहे अन फर्टिलाइज हैगे तो पहले स्टेप के ऊपर क्या होगा कि डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी क्लीवेज होगी ब्लास्ट्रोलेशन होगी गैस्ट्रोलेशन होगी तो ये जो इनिशियल डिवेलपमेंटल स्टेजेस होंगी दे आर कंप्लीटेड विद इन द एग वो एग के अंदर ही कंप्लीट की जाती है तो इस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं इट इज़ द एग स्टेज है वो सो so, तो अर्ली एम्ब्रियनिक डिवेल्पमेंट जो है वो एग स्टेज के ऊपर हो रही है आप कहते हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट है वेरी शॉर्ट एग स्टेज अक्सर जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर एग स्टेज क्या होती है बहुत शॉर्ट होती है बट समा इंसेक्ट्स दे मे हैव अ डायापास डायापास का मतलब उसमें गैप आ सकता है स्पेशली वन दीजन द इन्वायरमेंटल कंडीशन दे आर नॉट गुड अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा डायापास गैप आएगा जो डिवेलपमेंट उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया जाएगा ताकि अच्छी कंडीशन आने के ऊपर फर्दर डिवेल्पमेंट जो वो वो स्टार्ट करवाई जा सके द सेकेंड स्टेज इज़ द लारवल स्टेज एग के अंदर जब डिवेलपमेंट कम्प्लीट हो जाएगी तो फ्राम एग द लार्वी विल इमर्ज एग जो है उसके अंदर से एक लार्वी निकलेगा लारवी जो है बेसिकली हमारे पास जो है एक, आ, इन एक स्पेशल जो है वर्म लाइक शेप का एनिमल होता है विच इज़ वेरी एक्टिव इट फीड्स तो लार्वी की खास पहचान यती है कि ये मोटाइल होता है और ये फीड करता है और इसको फीडिंग की वजह से क्या होगा कि जो लारवी है उसके लिए वो एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर जो फिर आगे फर्दर डिवेलपमेंट में होगी सो लार्वल की जो चंद एक प्रॉपर्टीज में से यह है कि दे लार्वी दे नेवर हैव विंग्स लार्वल स्टेज के ऊपर कभी विंग्स मौजूद नहीं होते हैं जबकि बाकी जो स्ट्रक्चर हैं वो आइस आस्ता बनते रहते हैं दे आर हैविंग सिंपल आइस तो आइज जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स में आपको पता है दे आर द इंसेक्ट दे हैव कंपाउंड आइस अडल्ट इंसेक्ट्स के अंदर कंपाउंड आइज हैं लेकिन जो लार्वल स्टेज के ऊपर जब इंसेक्ट होगा इट विल बी हैविंग सिंपल आइज कंपाउंड और सिंपल आइज में डिफरेंस ये है कि कंपाउंड आइज में बहुत सारे लेंस होते हैं जबकि सिंपल आई में सिर्फ एक ही लेंस मौजूद होता है सो लार्वल स्टेज के अंदर बहुत सारे सब स्टेज होती हैं यानी पहले स्मॉल लार्वी फिर थोड़ा सा बड़ा लार्वी फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा तो हर लार्वल स्टेज को हम एक इन स्टार का नाम देते हैं सो वेन वी से दैट जो पहले एग से निकलते साथ जो लारवी होगा इट इज फर्स्ट इन स्टार है उसके बाद सेकेंड इन स्टार इसके बाद थर्ड इन स्टार तो इससे तरह से इन स्टार जो होते हैं का मतलब यह है कि डिफरेंट जो होते हैं वो साइज़ इंक्रीज करते हैं करता है अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग तो मोल्टिंग हो रही है जिससे फर्स्ट से सेकेंड थर्ड और फोर्थ इन स्टार की तरफ लारवी जो है मूव कर रहा है प्यूपा थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज द प्यूपा स्टेज प्यूपा स्टेज का ओवरऑल अगर बात करें इट इज़ अ इनएक्टिव स्टेज ये वो स्टेज है जब लारवी इनएक्टिव हो जाता है एक ख़ास किस्म की कि जो वो अब्रप्ट मेटामॉर्फोसिस से गुजरेगा लार्वल स्टेज इज द फीडिंग स्टेज जबकि द प्यूपा स्टेज इज द स्टेज ऑफ डिफ्रेंसीशन इसमें डिफ्रेंसीशन हो रही है अब्रप्ट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियालॉजिकल चेंजेस हो रही हैं तो इसके रिजल्ट में ये होगा कि आमतौर पर अब्रप्ट चेंज के दौरान जो प्यूपा है इट डिवेल्प आ केसिंग अराउंड इट सेल्फ प्यपा अगर देख केसिंग डिवेल्प हो जाती है कोकून डिवेल्प हो जाता है उसके अंदर जो है वो जो लार्वी है वो आजाद अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है ड्यूरिंग द प्यपा स्टेज सो मोस्ट ऑफ द प्यूपा दे डो नाट मूव प्यूपा के अगर हम देखें दे आर इनएक्टिव जब हम कह रहे हैं इसका तो लाइक like मूव नहीं कर रहे हैं प्यूपा स्टेज दे मे हैव सम मोटेलिटी कुछ प्यूपा स्टेज के अंदर मोटेलिटी हो सकती है सो प्यूपा स्टेज जब कंप्लीट होगी तो अल्टीमेटली उससे अगली स्टेज हमारे पास होगी ट्वेल्व द अडल्ट स्टेज अडल्ट स्टेज जो है इसमें द फ्राम प्यूपा एन अडल्ट इंसेक्ट इमर्ज एक इंसेक्ट निकलता है बाहर जो कि बिल्कुल अडल्ट होता है और उसके तमाम जो मार्फॉलोजी है फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैं दे आर वर्किंग अडल्ट की सबसे जो मेन पहचान है दैट इट इज़ रिप्रोडक्टिवली फंक्शनल इसके रिप्रोडक्टिव जो होते हैं दे आर फंक्शनल इट कैन रिप्रोड्यूस बहुत सारे जो अडल्ट होते हैं दे डू नॉट फीड इंसेक्ट्स में बहुत सारे अडल्ट होते हैं वो फीड ही नहीं करते हैं दे जस्ट दे आर जस्ट प्रोड्यूस फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस वो रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बाद वो डाई आउट कर जाते हैं